الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وشهداء ملته وأولياء أمته أجمعين وابنه الغوث العظم الجيلان محي الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم بلغنا رسوله النبي الأمين المكين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد غوث اعظم ببن بے سر و ساما مدد قبل دی مدد کعبہ ایمہ مدد امداد کن امداد کن از بند غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر یا غوث اعظم دستگیر یا غوث اعظم دستگیر بغیر داب بلا افتادہ کشتی ضعیفان شکستہ رات و کشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی اعلی حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت و نبوت میں کچھ اس طرح خراج عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں یا رسول اللہ لہد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے کہہ دیں سبحان اللہ ہماری محفلیں چونکہ آج لو علیہ کی زینتیں ہیں بہت افسوس ہوتا ہے حالات کو دیکھ کر کے کوئی اینٹا ہو تو لگا دے بہرحال جتنے بھی اشخاص ہیں توجہ کے ساتھ تھوڑی دیر سماعت کر لیں لہد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے اور جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے وہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا یا رسول اللہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلیں وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلیں بعد توحید کے متوالو شمع نبوت کے پروانوں اولیاء امت کے چاہنے والو آئیے ہم اور آپ کچھ عرض و معروض سے پیشتر اپنے روایات کے مطابق سب سے پہلے گنبد خضرہ کی جانب لو لگا کر آقا نامدار مدینہ کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار سید ابرار و اخیار شہنشاہ ذی وقار
रहमतुल लिल आलमी, ताहा वयासी, अनीसे बेकसा, चार साजे दर्दमंदा, कौनैन में सबसे अनोखे सबसे निराले, दाई हलीमा के गोद के पाले, हजरत अब्दुल्लाह के राज दुलारे, यानी कि जनाब अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह बेकसपनाह में हम और आप दिल लगा के झूम झूम कर बुलंद आवाज में बारगाह रिसालत में दुरूद पाक पेश करने का पेश करने की सआदत हासिल कर लें। पढ़े बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदी वल करम व अला आलिही व असहाबिही व बारिक वसल्लम सलातो व सलामन अलैका हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अकायद व जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है कि लोगों, तुम अपनी महफिलों को मुझ पर दुरूद पाक पढ़कर अपनी महफिल को खूबसूरत बनाओ, जीनत बख्शो। मजीद आका ने इरशाद फरमाया, लोगों, जो दुनिया में कसरत के साथ मुझ पर दुरूद पढ़ेगा कल कयामत के रोज़ वो सबसे ज़्यादा मेरे करीब होगा। तो मैं आपसे सवाल करता हूँ, कयामत के रोज़ हुजूर के करीब होना चाहते हैं या दूर होना चाहते हैं? बुलंद आवाज़ में मेरे बात का जवाब दें और आप ऐसी महफिल में आ गए हैं, ये बड़ी सआदत की बात है। इसलिए कैसी महफिलों में सब लोग की एंट्री नहीं होती, सब लोग नहीं आते हैं। वही लोग आते हैं जिनको खुदा खुद पसंद करता है, अपने महबूब की महफिल में भेजता है। सब लोग ऐसी महफिलों में नहीं आते। तो आप एक अल्लाह के मुकद्दस वली हजरत माकू सालार रहमतुल्लाह ताला अलैह के उर्से मुकद्दस की पाकीज़ा बज़्म में, पाकीज़ा महफिल में आ करके यहाँ पर हाजिरी की सआदत हासिल कर रहे हैं। कसम खुदा की, ये तुम्हारी और तमाम अहले महफिल की मकबूलियत की अलामत है। क्योंकि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिस बंदे से खुश होता है उसे अपने मकबूल बंदों के करीब कर दिया करता है। सुभान अल्लाह। और ये अल्लाह वाले हैं, कसम खुदा की, हमें कोई देखे या ना देखे, हमें कोई पहचाने या ना पहचाने, हमें कोई जाने या ना जाने, लेकिन ये औलिया अल्लाह जब तक दुनिया में रहते हैं अल्लाह की आता से हमारे दिलों के हालात से वाकिफ रहते हैं। और जब ये बातें विसाल अपनी कब्रों में पहुंच जाते हैं उसके बाद भी अल्लाह की कुदरत से हमें देखा करते हैं। सुभान सुभान। और इन अल्लाह वालों की निस्बत, इनकी कराबत दारी आज हम यहां पर आ करके उनकी निस्बत की वजह से परवरदिगार आलम का जिक्र कर रहे हैं, परवरदिगार आलम की हमद कर रहे हैं। तो कसम खुदा की, आज हम यहां बैठकर इनके वसीले से अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। कल रोजे कयामत या अल्लाह वाले अपनी अपनी रहमत फरमाएंगे और एक नजरे करम कर देंगे, खुदा की रहमत से हमें जन्नत का हकदार बना देंगे। जिंदाबाद। आप दुनियावी फायदा तो लिया करते हैं कारोबार के जरिए, बिजनेस के जरिए, लेकिन आप ऐसी महफिलों में हाजिर हो करके ये ख्याल रखा करें कि यहाँ अल्लाह की रहमत का नुज़ूल होता है। हुजूर ने फरमाया, जहाँ अल्लाह वालों का जिक्र होता है, औलिया अल्लाह का तज़किरा होता है और जहाँ पर जिक्र हम्द किया जाता है
वहां पर अल्लाह की रहमत का नुजूल होता है, अल्लाह की रहमत का अल्लाह की रहमत मूसलाधार बरसती है। तो हजरात मोहतरम, हम और आप सिर्फ ऐसे ही नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत के साए में बैठे हैं। और आका ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, जब तुम जन्नत की कियारियों से गुजरा करो तो वहां जाकर के कुछ चुन लिया करो। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, वो जन्नत की कियारियां क्या है? तो आका ने फरमाया, जिक्र के हल्के। तो यही वो जिक्र के हलके हैं जहां आज हम लोग मौजूद हैं। आका ने इनको जन्नत की कियारियों में से कियारी बरमाया है, इसलिए आज इन महफिलों में हाजिर हैं। ये अल्लाह की बहुत बड़ी तौफीक व इनायत है। और शुरू बदम से लेकर के मैं देख रहा हूं मौलाना शाह मोहम्मद साहब बड़ी मेहनत से कोशिश कर रहे हैं। रुक गए, ठीक है भैया, ठीक है, वो अपनी जगह पर ठीक रहने दो। दुरूद शरीफ पढ़ने, अल्लाहुम्म सल्ली अला सैयदना मौलाना मोहम्मद व अला आले सैयदना मौलाना मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो आप इत्मीनान रखें और ये ख्याल करके बैठें कि कोई देखे या न देखे, मगर जिसकी मजार पर हम हाजिर हुए हैं, अल्लाह की आता और कुदरत से वो साहिब मजार हमें देख रहे हैं। और साहिब मजार अगर हमारे दिलों पर उनकी निगाहें करम हो गई तो कसम खुदा की, हम आए तो खाली हैं लेकिन जब जाएंगे तो अपने दावन को गौहरे मुराद से भर के जाएंगे। सुभानअल्लाह। तो हम इत्मीनान और सुकून रखें, और हमारा हकीकी मकसद यही है कि जब हम ऐसी जगह पर पहुंचे तो वह पहुंचने के बाद में हम कुछ ऐसी चीजें समाप्त करें, सीखें, ताकि हम इन अल्लाह वालों की तरह इनकी निस्बत की वजह से हम भी अल्लाह के करीब हो जाएं, हम भी अल्लाह के करीब हो जाएं। और याद रखो, दुनिया एक मकरो फरेब का घर है और इसके रेनाइयां हमारे लिए धोखा है, धोखा। हम इस खेल कूद रंगीनियों में अगर पड़ गए तो कसम खुदा की हम अपने हकीकी मंजिल से भटक सकते हैं। इसलिए आप ऐसी महफिलों की कदर करें। और मैं बिला किसी मजीद गुफ्तगू के मैं आपको हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में ले चलता हूं और आपकी शान में दो तीन शेर पढ़ता हूं। जिसके बाद इंशाअल्लाह ताला थोड़ी सी गुफ्तगू करूंगा। कह दे सुभान अल्लाह, क्योंकि जब माहौल और महफिल का नज़्मो ज़ब्त दुरुस्त नहीं होता है तो उसी हिसाब से फिर ज़हन भी मुकम्मल तौर से वो तकरीर की तरफ माइल नहीं होता है। तकरीर की नहीं जाती बल्कि कराई जाती है। मसल के कह दे सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज में कह दे सुभान अल्लाह। दोनों हाथों को उठा के कह दे या रसूल अल्लाह, अगर वाकई में आप अल्लाह वालों से और ख्वाजा गरीब नवाज से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो कह दे सुभान अल्लाह कि वो है अताए शाहदी मेरे ख्वाजा मोइनुद्दीन। कह दे सुभान अल्लाह, वाकई में आप अपनी मुकम्मल बेदारी का सबूत देते रहें ताकि पढ़ने और पढ़ाने में थोड़ा सा दिलचस्पी पैदा हो जाए। कह दे सुभान अल्लाह कि वो है अताए शाहदीन मेरे ख्वाजा मोइनुद्दीन। आप भी हमारे साथ मिलकर के पढ़ लें, मिलकर के पढ़ लें कि वो है अताए शाहदीन मेरे ख्वाजा मोइनुद्दीन। मचल कर पढ़ लें कि वो है अताए शाहदीन मेरे ख्वाजा मोइनुद्दीन। ओ हिंद में शाने नूर मुबीन मेरे ख्वाजा मोइनुद्दीन। और मौलाना शाह मोहम्मद इस्माइली के हवाले से ये शेर नजर करता हूँ, समाप्त कर ले मोहब्बत के साथ। कि आका ने जो फरमाया कि हिंद
سے آتی ہے بو وفا آقا نے جو فرمایا ہند سے آتی ہے بو وفا ارے اس کا سبب بھی اس کا سبب بھی معین الدین میرے خاطر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت مسلک اعلی حضرت عرص مقدس خواجہ کا ہندوستان خواجہ کا ہندوستان بجہا کا چپ چاپ مسلمان وہ ہے عطا شاہ میرے خواجہ معین الدین اور حضرات منقبت کا خوبصورت بند ملاحظہ فرما لے کہ جس کو اٹھا دے گر نہ سکے کہہ دیں سبحان اللہ کہ جس کو اٹھا دے گر نہ سکے اور جس کو بٹھا دے اٹھ نہ سکے ہاں جس کو اٹھا دے گر نہ سکے اور جس کو بٹھا دے اٹھ نہ سکے حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ اچھے سے جانتے ہیں اچھے سے سنتے ہیں اچھے سے پہچانتے ہیں اور سرکار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا خصوصی فیضان ہے ملک ہندوستان پر اور ملک ہندوستان کے جملہ مسلمان پر قسم خدا کی آج جو دنیا میں تمام باغیان اسلام دشمنان اسلام آج جو طرح طرح سے آج یہ وارننگ دیتے ہیں اور طرح طرح سے آپ طرح طرح سے لوگوں کو ڈرانے کی اور دھمکانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو مٹا دیں گے ختم کر دیں گے قسم خدا کی میں کہنا چاہوں گا کہ جب خواجہ غریب نواز نے اونٹوں کو بٹھا دیا تو کسی کے اندر یہ ہمت و جرات نہ ہو سکی کہ خواجہ غریب نواز کے بٹھائے ہوئے اونٹوں کو وہ اٹھا دے تو قسم خدا کی جس کو خواجہ غریب نے اس سرزمین پہ بسا دیا ہے کسی میں ہمت کیا ہے اس کو یہاں سے بھگا سکے اس کو یہاں سے اٹھا سکے قسم خدا کی میرے خواجہ کی یہ شان ہے کہ جس طرح پہ ایک نگاہ کر دے اس کا بیڑا پار ہو جائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عرص مقدس جس کو گرا دے اٹھ نہ سکے اور جس کو اٹھا دے گر نہ سکے ارے آج بھی دنیا آج بھی دنیا آج بھی دنیا کو ہے یقین میرے خواجہ معین الدین کہ آج بھی دنیا کو ہے یقین میرے خواجہ معین الدین او شاہ ہندوستان تم او ہندوستان کی جان تم ارے شاہ ہندوستان تم او ہندوستان کی جان تم ارے ان کا ملک ان کی زمین میرے خواجہ معین الدین کہ وہ ہے عطا شاہ دین میرے خواجہ معین الدین نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی حضرات اولیاء اللہ کے متعلق پروردگار عالم کلام بلاغت میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ سچوں کے راستے پر چل جاؤ
सच्चों का रास्ता इख्तियार कर लो, सच्चों की निस्बत हासिल कर लो। आओ जरा हम और आप कुरान की बारगाह में सवाल करें, अर्ज करें, ऐ अल्लाह का मुकद्दस कलाम, तूने हमारी जिंदगी की हर मौके पर हर मसले पर रहनुमाई फरमाई है। ऐ अल्लाह का मुकद्दस कलाम, आखिर तेरा फरमान है कि सच्चों के साथ हो जाएं, तो आखिर सच्चे कौन लोग हैं, कौन सी जमात सच्चों की है, हम किसके रास्ते पर इख्तियार कर लें, हम किसके रास्ते पर चलें, किसके साथ हो जाएं, किसके दावन से वाबस्ता हो जाएं। आखिर ऐ अल्लाह के मुकद्दस कलाम, तेरे फरमान से क्या, तेरे फरमान का मतलब क्या है, वो सच्चे कौन लोग हैं। जब हमने कुरान की बारगाह में इस्तगासा किया, कुरान की बारगाह में जब मैंने सवाल किया, तो कुरान ने तड़प कर जवाब दिया, ऐ पूछने वाले सुन, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी दुनियादार को ढूंढने की जरूरत नहीं है, किसी लीडर को ढूंढने की जरूरत नहीं है, किसी इख्तदार वाले को ढूंढने की जरूरत नहीं है, किसी हाकिम को ढूंढने की जरूरत नहीं है, किसी बादशाह के दरमियान में जाकर दरबार में जाकर के उसको देखने की जरूरत नहीं है, बल्कि आ मैं तुझे बताता हूँ सच्चे लोग कौन है, सच्चे लोग कौन है, किसके रास्ते पर चलने से तुझे मंजिल मिल जाएगी। तो कुरान ने तड़प कर कहा, उलाइकल लजीना अनअमल्लाहु मिनन नबियीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाए वस्सालिहीन। ऐ इंसान सुन, वो सच्चों की जमात अंबिया की जमात है, शुहदा की जमात है, सालिहीन की जमात है, औलिया की जमात है। ऐ इंसान सुन ले, ये वो जमातें हैं जिनके रास्ते पर चलने से तुझे अल्लाह की पहचान मिल जाएगी, तुझे अल्लाह की मारिफत हासिल हो जाएगी, तुझे जन्नत मिल जाएगी, तुझे रास्ता मिल जाएगा। लोगों, इन अल्लाह वालों के रास्ते पर चलने से अल्लाह का इनाम उतरता है, अल्लाह की रहमतें उतरती हैं। और इन अल्लाह वालों की शान को क्या समझोगे, इन अल्लाह वालों के मकाम को क्या समझोगे, इन अल्लाह वालों की अजमत को क्या समझोगे। हजरात, अल्लाह वालों का जिक्र सिर्फ हम नहीं, बल्कि खुद परवरदिगार आलम अपने मुकद्दस कलाम में अपने बंदों के, अपने वलियों का तज़किरा करता है, अपने वलियों का जिक्र करता है। इन अल्लाह वालों की अज़मत और शान का आलम तो ये है, रब इरशाद फरमाता है, नहनु औलियाउकुम फिद दुनिया फिल आखिरा। हम अपने अल्लाह, हम अपने वलियों का, हम अपने दोस्तों का दुनिया और आखिरत में हामी और मददगार है। हजरत मोहतरम, जब अल्लाह वालों का खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत मददगार हो जाए, तो बताइए फिर उसकी शान का, उसकी अजमत का, उसके मकाम का आलम क्या होगा। आओ मैं बताता चलूं आपको, इसी शहर लखनऊ में हजरत सरकार सैयद शाह मीना रहमतुल्लाह ताला अली का आस्ताना है, आपका मुकद्दस शहर है। हजरत मोहतरम, आज सारी दुनिया खुसूसियत के साथ शहर लखनऊ हजरत सरकार सैयद शाह मीना रहमतुल्लाह ताला अली के साथे गिरामी से खूब अच्छी तरीके से वाकिफ है। आप अल्लाह के मुकद्दस वली हैं, अल्लाह के मुकद्दस दोस्त हैं, अल्लाह के मुकद्दस बंदे हैं। आपने दुनिया में पूरी जिंदगी भर आपने रुस्तो हिदायत में, अल्लाह की तबलीग में, अल्लाह के दीन के फरोग के लिए आपने पूरी जिंदगी को, अपनी पूरी जिंदगी को गुजार दी, अपनी पूरी जिंदगी को वक्फ कर दी। एक मरतबा आप अपने मुरीदीन के साथ में, आप अपने चाहने वालों के साथ में, इरादत बंदों के साथ में आप हल्का बगोश थे, आप बैठे हुए थे, और इतने ही में एक अंग्रेज अफसर अपने चंद पुलिस वालों के साथ में, चंद सिपाहियों के साथ में सरकार सैयद शाह मीना रहमतुल्लाह ताला अलैह की खिदमत में हाजिर होता है। हाजिर होने के बाद में दो सानू बैठ जाता है, बैठने के बाद में सरकार सैयद शाह मीना रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में सवाल करता है, हुजूर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक मसला दरकार है, हुजूर वो मसला बताइए। सरकार सैयद शाह मीना रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते, आखिर बताओ तो वो तुम्हारा मसला क्या है, तुम्हारी बात क्या है। वो अफसर, वो अंग्रेज अफसर जो मजहब से ईसाई था, उसने सरकार सैयद शाह मीना रहमतुल्लाह ताला अलैह से कहा, हुजूर मैंने किताबों में पढ़ा है, कि आप लोग मानते हैं, किताबों में आपके उलमा ने लिखा है कि आपके नबी, आपके पैगंबर हर मरने वाले की कब्र में हाजिर होते हैं, हर मरने वाले की कब्र में पहुंचते हैं, क्या ये बात दुरुस्त है। सरकार सैयद शाह मीना रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं, आप जवाब देते हैं, बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल सही है। हजरत मोहतरम, एक अंग्रेज ने सवाल किया कि क्या हर, एक अंग्रेज ने सवाल किया कि आपके नबी, आपके पैगंबर हर
कब्रवा हर कब्र हर मरने वाले की कब्र में पहुंचते हैं। हजरते मोहतरम तो सरकार श्री शाह मीना रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जवाब दिया बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल सही है। अल्लाह ने अपने पैगंबर को, अपने महबूब को, अपने नबी को वो कुदरत अता फरमाई है, वो शान अता फरमाई है कि अल्लाह के महबूब हम सबके पैगंबर हर मरने वाले की कब्र में हाजिर होकर के आप तशरीफ ले जाते हैं और अपनी जलवागरी दिखाते हैं। इतना कहना था कि वो अंग्रेज अफसर एकदम से गुस्सा हो जाता है, एकदम से उसके चेहरे का तेवर बदल जाता है और जलाल में आकर के वो कहता है आखिर आप लोग की ये बात समझ में नहीं आती है कि एक वक्त में न जाने दुनिया में कितने लोग इंतकाल करते हैं, कितने लोग दुनिया से कूच करते हैं, कितने लोग दुनिया से चले जाते हैं, बिल आखिर वो कैसे आखिरकार तुम्हारे नबी एक वक्त में कैसे हर एक की कब्र में पहुंचते हैं, हर एक की कब्र में जाते हैं, हर एक कब्र में जलवागरी करते हैं। जब उस अंग्रेज ने ये बात कही तो सरकार सैयद शाह मीना रहमतुल्लाह ताला अलैह के चेहरे पे जलाल आ गया और आपने इरशाद फरमाया ऐ अंग्रेज खामोश हो जा, ऐ अंग्रेज चुप जा, ऐ अंग्रेज अफसर चुप जा, सुन आखिर तू जानना चाहता है मेरी मुस्तफा की शान क्या है, मेरी मुस्तफा की अजमत क्या है, मेरे मुस्तफा का मकाम क्या है, तो सुन पहले सुन ले। सरकार सैयद शाह मीना रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इरशाद फरमाया ऐ अंग्रेज अफसर बता आखिर ये सामने कौन सा दरख्त है, कहा सामने ये पीपल का दरख्त है। सरकार सैयद शाह मीना रहमतुल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया ऐ अंग्रेज अफसर जरा अपनी निगाहों को उठा और उठाने के बाद में इस पीपल के दरख्त के पत्तों पर बगौर देख ले। हजरते मोहतरम जब उस अंग्रेज अफसर ने उस पीपल के दरख्त के पत्तों पर जब गौर से देखा तो देखकर दंग रह गया। क्या देखता है कि सरकार सैयद शाह मीना रहमतुल्लाह ताला अलैह वो महफिल में मौजूद है लेकिन आपकी तस्वीर आपका अक्स पीपल के पत्तों पर नजर आ रहा है, पीपल के पत्तों पर झलक रहा है, पीतल पीपल के पत्तों पर नजर आ रहा है। जब यह असीम मंजर ये सरकार की करामत जब उसने देखा तो हैरत में पूछा हुजूर आखिर मामला क्या है, आप तो हमारे सामने जलवागर हैं, आप तो हमारे सामने मौजूद हैं लेकिन आपका अक्स पत्तों पर दरख्त के हर पत्तों पर नजर आ रहा है। सरकार सैयद शाह मीना रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जवाब दिया था ऐ अंग्रेज अफसर ऐ नादान सुन ले, तू मेरे नबी के बारे में पूछता है, जब एक नबी के अदना उम्मती की शान ये हो सकती है तो मदीने वाले की शान क्या होगी, शान क्या होगी, मेरे नबी की शान क्या होगी। इसी तो किसी कहने वाले ने कहा है जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने समाना की झोली, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने समाना की झोली, मोहताज का जब आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा, मोहताज का जब आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। तो हजराते मोहतरम या अल्लाह वाले हैं, अल्लाह ने इन्हें इतनी कुदरत और ताकत अता फरमाई है कि अगर ये एक नजर किसी जर्रे पर डाल दे तो नजर पड़ते ही वो जर्रा आफताब हो जाए। नारे बीर आप लोग लोग जिंदा जिंदगी का सबूत हैं, नारे बीर नारे रिसालत मक्के आला हजरत फैजाने औलिया इकराम। बहुत हजरत मोहतरम हम अल्लाह वालों की निस्बत से आज यहां पर पहचाने जा रहे हैं और कल कयामत के रोज भी इन अल्लाह वालों से अगर हमने सच्ची मोहब्बत की तो रोजे कयामत भी इन अल्लाह वालों की निस्बत से पहचाने जाएंगे। आका की बारगाह में एक शख्स ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आप उस आदमी के मुतालिक क्या फरमाते हैं जो किसी कौम से मोहब्बत करता हो लेकिन उससे मिला ना हो, उसे देखा ना हो। तो आका ने इरशाद फरमाया ऐ सवाल पूछने वाले सुन, अगर कोई शख्स ऐसे इंसान से मोहब्बत करता है, ऐसी कौम से मोहब्बत करता है, न उसको मिला हो न उससे उसे देखा हो, आका ने इरशाद फरमाया अल मरू मा मन अब्बा, ऐ इंसान सुन ले दुनिया में जो इंसान जिससे मोहब्बत करेगा कयामत के रोज उसी के साथ होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम और आप अहले सुन्नत वल जमात हैं, हमें अपने तकवा अपने तहारत पर नाज नहीं है बल्कि अगर हमें नाज है तो आमिना के लाल पे नाज है, अगर हमें नाज है तो हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज पर नाज है, अगर हमें नाज है तो सरकार गौसे आजम पे नाज है। इसलिए कि कल जहां पर नफसी नफसी का आलम होगा, जहां कोई काम ना आएगा तो इन अल्लाह वालों की मोहब्बत में तो आज हम नींदे कुर्बान करके यहाँ हाजिर है, ये मोहब्बत का रोज़े क़यामत हमारे काम आएगा।
जिंदाबाद जिंदाबाद बहुत बहुत हजरत हम इन अल्लाह वालों से मोहब्बत करें। अल्लाह का इरशाद है वकूनु मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ, यानी कि अगर आप सच्चों के साथ हो जाओगे तो आप दुनिया में और आखिरत में कामयाबो कामरा हो जाओगे। हजरात अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें दो चीजें ऐसी अता फरमाई हैं जो जिनकी कोई कीमत नहीं, जो लाजवाब हैं, जो दुनिया की तमाम सारी चीजों से अफजल आला है। वो चीज है, पहली चीज है ईमान और दूसरी चीज है आमाल। ये दो चीजें ऐसी हैं जिनकी कोई कीमत नहीं है, जो लाकीमत है। दुनिया की तमाम दौलत इनके सामने है छे। हजरत मोहतरम असीम कीमती चीजें अल्लाह ने अपने महबूब के जरिए हमें अता फरमाई है। एक ईमान की दौलत अता फरमाई है, एक आमाल की दौलत अता फरमाई है। हजरत जिस तरीके से दुनिया की दौलत, दुनिया के हीरो जवाहरात, दुनिया की मालो दौलत के लिए जगह जगह पर हर मौके पर रहजन मौजूद होते हैं, अगर जरा सा आप चूकें तो दुनियावी दौलत को चोर लूट ले जाएंगे, चोर खत्म कर देंगे। इसी तरह से तुम्हारे ईमान और आमाल के भी दुश्मन हर जगह पर, हर जगह पर, हर मौके पर मौजूद रहते हैं, तुम्हारे ईमान और आमाल को बर्बाद करने के लिए हर वक्त कोशा रहते हैं। वो दुश्मन कौन है? अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन्न शैताना लिल इंसान अदुव्वुन मुबीन, बेशक शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। तो हजरत मोहतरम उस शैतान लईन से अपने ईमान व अमल को बचाने के लिए, हिफाजत में रखने के लिए अल्लाह ने हमें एक तरीका बता दिया है, एक रास्ता बता दिया है, एक दस्तूर बता दिया है। ऐ मेरे बंदो, अपने ईमान व अकीदे की हिफाजत करो, अपने ईमान व अकीदे को बचाओ और तक्वा इख्तियार करो, परहेजगारी इख्तियार करो, और उसके बाद में तुम किसी अल्लाह वालों के दामन करम से मुंसलिक हो जाओ, ताकि उस अल्लाह वाले की नस्बत की वजह से तुम्हारा ईमान सलामत रहे, तुम्हारी नमाजें सलामत रहे, तुम्हारे आमाल सलामत रहे। हजरत मोहतरम हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं, बहुत मशहूर अल्लाह के वली हैं, अपने वक्त के जय्यद आलिम हैं, अपने वक्त के मुनाजिर हैं, अपने वक्त के बहुत बड़े आलिम दीन हैं। आपने पूरी जिंदगी दीन की खिदमत में गुजार दी, पूरी जिंदगी लोगों को हिदायत करते हुए, लोगों को तबलीग करते हुए, मुनासरे करते हुए, दसों तदरीस में आपने पूरी जिंदगी गुजार दी। लेकिन जब आपकी चाकनी का वक्त आया, जब आपके विसाल का वक्त आया, तो आपके सामने शैतान हाजिर हो गया। हाजिर होने के बाद कहने लगा, ऐ इमाम फखरुद्दीन राजी, बताओ तो सही, पूरी जिंदगी तुमने दीन के रास्ते पर गुजार दी, पूरी जिंदगी तुमने मुनासरे में गुजार दिए, पूरी जिंदगी तुमने तबलीग में गुजार दी, पूरी जिंदगी तुमने तबलीग और हिदायत में गुजार दी। ऐ इमाम फखरुद्दीन राजी, बताओ तो सही, क्या तुमने खुदा को पहचाना है? क्या तुमने खुदा को जाना है? इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह बिस्तरे अलालत पर हैं, बिस्तरे अलालत पर हैं। आप जवाब इरशाद फरमाते हैं, बिल्कुल मैंने खुदा को पहचाना है, खुदा एक है, खुदा एक है, खुदा एक है। इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इरशाद फरमाया, खुदा एक है। उस हब्बीस ने कहा, अगर खुदा एक है तो आप दलील पेश करें, आप सबूत पेश करें, आप इस पर कोई दलील पेश करें। हजरत मोहतरम हजरत अल्लामा इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं, आपने दलील पेश किया, आपने एक दलील पेश किया, उसने उस दलील को काट दिया, आपने दो दलील पेश की, उसने दलील को काट दिया, आपने तीन दलील पेश की, उसने तीसरी दलील को भी काट दिया, हत्ता कि आपने खुदा की वहदानियत पर 360 दलीलें पेश की। लेकिन वो खबीस शैतान मुअल्लिमुल मक्कूत रह चुका था, इसकी वजह से उसने सारी दलीलें रद्द कर दी। अब हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं, जिन्होंने पूरी जिंदगी मुनाजरे में दीन की रुस्तो हिदायत तबलीग में गुजार दी, आप हैरत में हैं, आप सोच में हैं, फिक्र में डूबे हुए हैं कि आखिर अब क्या किया जाए और कैसे बचा जाए। अभी आप सोचो फिक्र में थे, अभी आप हैरत में थे कि इतने में आपके मुर्शिद इमाम नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं, आपके पीर इमाम नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं। आज लोग पीरो मुर्शिद के ऊपर कमेंट करते हैं, आज लोग पीरो मुर्शिद के एहतराम से बहुत दूर हैं, लेकिन आओ देखो, जहां ईमान का खतरा होता है वहां तुम्हारे मुर्शिद काम आते हैं, वहां अल्लाह के वली काम आते हैं। हजरत मोहतरम इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह के पीरो मुर्शिद हजरत इमाम नजमुद्दीन कुबरा कई दूरों दराज मकाम पर रह करके नारे तकबीर
खड़े हो जाए मुफ्ती साहब तशरीफ ले आए, खड़े होकर इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती रफीक आलम साहब कुबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब सुकून के साथ, अब मेरी गुजारिश है जो लोग पीछे खड़े हुए सब आगे खिसक के इत्मीनान के साथ आगे बैठ जाएं। आप देखें मुफ्ती साहब की आमद आमद हो चुकी है, अभी आप देखेंगे हजरत के पैकर में एक अच्छा सा खिताब हमें और आपको समाप्त करना है। लोग यूट्यूब पर सर्च करके इनको देखते हैं, लोग तरसते हैं कि सामने देख लो, यूट्यूब के जरिए से देखा करते हैं। आज मौका मिला है, मेरी गुजारिश है जो लोग दुकानों की जीनत बने बराए मेहरबानी वो छोड़ करके जलसा गांव में तशरीफ लाएं। अभी अल्हम्दुलिल्लाह आपको दो कलाम समाप्त करना, फिर हजरत का खिताब होगा। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यिदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कूनु मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। तो हजरत मोहतरम, मैं अर्ज ये कर रहा था, हजरत इमाम फखरुद्दीन बहुत बड़े अपने वक्त के जय्यद आलिम हैं, और जागने के वक्त शैतान ने आपसे सवाल करना शुरू कर दिया, आप जवाब देते रहे, बिलाखिर आप परेशान हुए। तो आपके मुर्शिद, आपके पीर आपको दूर दराज मकाम से आवाज देते हैं, ए इमाम फखरुद्दीन राशी, आखिर तुम ये क्यों नहीं कह देते कि हम बगैर किसी दलील के, बगैर किसी सबूत के, हम खुदा को एक मानते हैं। जब उधर से आवाज आई और इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फौरन कहा, ए मलऊन सुन, मैं खुदा को बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी दलील के, मैं खुदा को एक मानता हूँ, इतना कहना था कि शैतान फरार हो गया। तो हज़राते मोहतरम, पता ये चला कि अल्लाह वालों के दावन से जो इंसान वाबिस्ता रहता है उसका ईमान व अमल दोनों सलामत रहता है, महफूज रहता है। तो अज़ीज़ाने गिरामी, अल्लाह वालों से मोहब्बत करें, अल्लाह वालों से मोहब्बत के साथ साथ अल्लाह वालों की जो नूरानी जिंदगी है उसको भी समाप्त करें, उनकी जिंदगी को भी आप अपनाने की कोशिश करें। अल्लाह वालों ने हमें पैगाम दिया है, ये दावत दी है, ये कसम खुदा की, अगर हम और आप अल्लाह उसके रसूल के एकाम पर अमल करते रहेंगे तो हम दुनिया से कामयाब जाएंगे और आखिरत में भी कामयाब हो जाएंगे। तो हज़रात मोहतरम, हम और आप अल्लाह वालों से मोहब्बत करें और इनके नक्शे कदम पर चलें और इनकी तमाम सारी तालीमात पर हम और आप अमल करने की कोशिश करें। ऐसी महफिलों में हम अदब को भी मलहूज खातिर रखा करें। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, इल्तिजा है परवरदिगार आलम हमारे इन चंद जुमलों को अपनी बारगाह में हुजूर के सदके कबूल और मकबूल फरमाए। सबसे पहले मुझे, उसके बाद तमाम अहले महफिल को अमल करने की तौफीक व बलीग अता फरमाए। बोलने में आमदन सहवन अगर कोई गलती हुई, मौला मैं तमाम सामईन और हाजरीन को गवाह बनाकर तेरी बारगाह में इस्तिगफार करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि वातूबु इलैह। हमारे साथ मिलकर पढ़ लें, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुह। प्यारे हबीब को पुकार, प्यारे नबी का नाम ले, दावनी मुस्तफा मियां पाए रसूल थाम ले। अमा अलैना इल्ल बलाग।